तक जाएगी, सबका माजी खंगाला जाएगा। और इस हमाम में मैं पहले भी कह चुकी सब नंगे हैं, बहुत सारे आवारा कुत्ते भागे फिरते हैं गलियों के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पालतू कुत्ते भी उठा लेते हैं लोगों के। बस हो गया मैं, वो जिस जेल में है, वो जिस जेल में, जेल तो आपके पास है। बोल रहे हो पंजाब, जिसको ये पोस्टरिंग कहते हैं ना, वो एक्चुअली मुनाफकत है। मुल्क में आप आग लगवाना चाहते हैं, मुल्क के अंदर आप फसाद करना चाहते हैं। ये बजट जो ये इल्जाम तो आपके ऊपर है उसमें साहब, आप बैठ के इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद केसेस खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मंसूर अली खान के प्रोग्राम में नून लीगी उज़्मा बुखारी और तहरीक इंसाफ की मेहरबानों आमने सामने आ गई। मेहरबानों ने आज उज़्मा बुखारी की ऐसी तारीखी चित्रोल की कि उज़्मा बुखारी आग बगोला हो गई। फिर दोनों के दरमियान कैसी गुफ्तगू हुई, आए पहले दोनों की गर्मा गर्म गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। है आज भी हम इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर करने निकले हैं, शाह महमूद कुरैशी को गद्दार डिक्लेयर करने निकले हैं, तब भी गलत था, आज भी गलत है। मगर इसमें अगर आप इसमें उमर अयूब साहब को लाना चाहें और कहें कि ये उसके जवाब दे हैं, तो ये उसके जवाब दे नहीं है। मेहरबान साहब, दैट इज बोल्ड ऑफ यू, जमहूरियत के लिए डंडे खाए हैं उन्होंने, दैट इज बोल्ड ऑफ यू, उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है, दैट इज बोल्ड ऑफ यू टू एक्चुअली एक्सेप्ट दिस, इवन दो जनरल अयूब इज रिलेटेड टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ योर पार्टी, दैट इज बोल्ड ऑफ यू टू एक्सेप्ट दैट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उमर अयूब साहब मिलिट्री डिक्टेटर, हर मार्शल लॉ ने आइन को पामाल किया है, आइन की नफी की है और हमेशा गलत किया है और ये हमेशा गलत रहेगा। अगर माजी की बात माजी में जाएंगे तो फिर अगर ये बात खुलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, सबका माजी खंगाला जाएगा। और इस हमाम में मैं पहले भी कह चुकी सब नंगे हैं, तो आगे बढ़िए, अपने जो आपकी आज की सियासत है, आपकी अपनी सियासत है, उसका जवाब दीजिए। आपने क्या किया है, आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए, झूठे नारे नहीं वोट को इज्जत देने को के, वोट को वाकई आपने क्या इज्जत दी है? नहीं, आप तो वो है जो वोट की इज्जत को हड़प के बैठ गए, उसका तकद्दस पामाल करके बैठ गए, ढिटाई से बैठे हैं, और आज आप अवाम को इतने उनसे खौफ ज्यादा है कि आप अवाम को निकलने नहीं देते घर से कि वो पुरअमन एहतजाज में जवाब ले लूं, झूठ का सहारा लेते हैं। मैं जवाब ले लूं, अजमा साहबा देखें, उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा माजी के जितने भी फौजी आर्मी डिक्टेटर थे, मैं सबके बारे में कह रही हूं, सबको एक ही उसमें इररिस्पेक्टिव के कौन किससे रिलेटेड। और ये तो हकीकत है ना कि जो जनरल अयूब साहब ने जो कुछ किया माजी में, उसकी सजा उमर अयूब साहब को तो नहीं दे सकते। अच्छा, और मेरे वालिद साहब जिनका कोई लेना देना नहीं था रेमंड डेविड के केस के अंदर, उस पर आज तक उनको भी गाली दी जाती है और मुझे भी गाली दी जाती है, वो दुरुस्त होती है, वो ठीक होता ना? नहीं, नहीं। ये बात बस रहने दे, बस रहने दे, रहने दे। शौकत बसरा आपकी ऊपर से एलियन नहीं है, वो आपकी पार्टी का अहदेदार है, उसने जो जबान इस्तेमाल किया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे आवारा कुत्ते भागे फिरते हैं गलियों के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि ये जो एक तो पालतू कुत्ते भी उठा लेते हैं लोगों के, बस हो गया बस, ये जो इस वक्त मासूमियत का जो एक लबादा ओढ़ के जो ये हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाई जा रही है ना, आज भी इमरान खान साहब क्या चाहते हैं, वो बात करना चाहती है इनकी पूरी पार्टी आर्मी चीफ से, डीजीआई से, वो कानून के कौन से आइन के कौन सी शिक के तहत होती है जी, वो जमहूरियत की कौन सी खिदमत फरमानी है आपने? और ये खुद जब 2014 में परवान चढ़े तब इनको कौन लेके आया, फिर ये आरटीएस बिठा के 2018 में किस तरह से जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है मुसल्लत किए गए, ये क्या मतलब हमें कोई डिमेंशिया हुआ है या हमें याद नहीं है या पाकिस्तान की कौन को याद नहीं है? ये जो आज हमें अच्छी अच्छी आज भी इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, अगर एस्टेब्लिशमेंट उसकी बात सुन ले, पूरी लड़ाई है, मेरी बात सुन लो, मुझे दोबारा जो है वो गोद ले लो, इतनी सी बात है सिर्फ, वो सारे कानून, जबकि इमरान खान साहब को पता ही नहीं कि गोद में आजकल कोई और है, नहीं उनकी गोद में जो है ना, वो गोद में उनके वही है हमेशा से। अच्छा। आज भी मुझे ये मुझे बताने में मतलब थे। थे। कि आज भी उनको इतनी फैसिलिटीज जो मिल रही हैं वो कौन दे रहा होगा, उनको कौन दे रहा होगा, आप बताएं, अडियाला जेल तो आपके पास है, अडियाला जेल आपके पास है, अच्छे लगते हैं वो भी अच्छे लगते हैं बहुत सारे लोगों को, अभी भी अजमा साहब वो जिस जेल में है, वो जिस जेल में, जेल तो आपके पास है, दोनों बोल रहे हो पंजाब दोनों, नहीं आप मेहरबान साहब एक मिनट मुझे सवाल करने दें, अजमा साहब जिस जेल में हो, जेल तो आपके पास, मैं सवाल कर रहा हूँ अजमा साहब, जेल तो आपके पास है, अडियाला जेल तो आपके पास है। हाँ जी बिल्कुल जेल हमारे पास है, लेकिन ये अजीब इत्तेफाक है कि इमरान खान साहब को अटक जेल जाए हुए जो एक हफ्ता नहीं होता और वहां पे सेशन जज साहब जाके उनके उनका कैमरा देख लेते हैं जो उनकी बैरक के ऊपर लगा होता है, और उनको फौरन 24 घंटे के अंदर जो है वो अटैच्ड बाथ पूरी जो है वो फैसिलिटीज के साथ दे दिया जाता है। मरियम नवाज महीनों जेल में रही थी, उसके लिए तो ना कोई सेशन जज गया, इनकी एक पिटीशन जो है वो 1:30 बजे जो है वो दायर होती है, 1:35 के ऊपर जो है वो कोर्ट में लग जाता है, इतना प्रेशर है, जजेस इतने प्रेशर में है, उनके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन जो है वो फैसले जो है वो उनके इनके हाथ में आते हैं। प्रेशर कैसा है, ठीक है, प्रेशर डालने वालों को प्रेशर डालना ही नहीं आता। ठीक है आपने चाय, उम्मीद करता हूँ आपको चाय मजे की लगी होगी। ये दूसरी बात ये कि मेहरबानो साहिबा कह रही है कि आप हमारी कॉपरेशन देखें, आप हमारी कोऑर्डिनेशन देखें, हम तो सिस्टम को लेके चलना चाहते हैं, हम आप लोगों को स्पेस दे रहे हैं, आप लोग अपनी काबीना का इजलास बुलाते हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद केसेस करने के हवाले से बैठते हैं।
देखिए जो पोस्टरिंग की बात की ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको ये पोस्टरिंग कहते हैं ना वो एक्चुअली मुनाफकत है, जिसको ये पोस्टरिंग कहते हैं ना वो एक्चुअली बदयांती है, सियासी बदयांती, कि आप कहते कुछ हैं आप करते कुछ हैं, मुल्क में आप आग लगवाना चाहते हैं, मुल्क के अंदर आप फसाद करना चाहते हैं, ये बजट जो ये इल्जाम तो आपके ऊपर है उसमें साहिबा, क्या कोई ये इल्जाम तो आपके ऊपर वो लगा रहे हैं कि मुनाफकत तो आप लोगों की साइड से है कि एक जगह एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि हम मुजाकरात करने के लिए तैयार है, दूसरी जगह पंजाब की कैबिनेट जिसमें आप भी शामिल हैं आप बैठ के इमरान खान साहब के खिलाफ मजीद केसेस खोल रहे हैं, आप वहां पे अगर पतंगबाजी की वजह से खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो मरियम नवाज साहबा कहती है डोर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, तो आप लोग एक्चुअली इंतजार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आ जाती हूँ इसके ऊपर। पहली तो बात यह है कि जो खैबर पख्तूनख्वा ने बहुत वफाक जो है उसके साथ और फेडरेशन के साथ और आइन को मद्देनजर रखते हुए वफाक से पहले जो बजट दे दिया है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको क्या कहेंगे आप? वो एक फर्जी बजट है, उनको पता ही नहीं है इनको वफाक से कितने पैसे आए, उनको पता ही नहीं इनको काम कैसे करना है, यही तो रोना है। अभी वो एक क्लिप आपने देखा होगा जिसके अंदर वजीर जंगलात या अल्लाह जाने वो कौन है, उनसे पढ़ा भी नहीं जा रहा कि वो उनको जो है उनको पुट नहीं करनी आ रही क्वेश्चन अपनी जो है डिमांड की, और अभी इनको कोई पता नहीं कि वफाक से क्या मिलेगा, उन्होंने बजट पेश कर दिया। ये ऐसी हुकूमत चला रहे हैं, इनको लगता है कि सोशल मीडिया जैसे चल जाती है हुकूमत वैसे ही शायद ग्राउंड पे भी चलती है, इसलिए 10 साल से वो हुकूमत चलते चलते आज उस खैबर पख्तूनख्वा की हालत क्या है, वो जो कौमें नहीं बननी थी ना सड़कें बनाने से, वो कौमें रुड़ रही हैं इस वक्त दरियाओं के अंदर, वहां पर जो है वो किसी ने डेड बॉडियां ले जानी हो, किसी ने स्कूल बच्चियों ने जाना हो, वो अजमत साहब ये देखें देखें ये आप एक पॉलिटिकल लिटरेट के तौर पे तो ये सब कुछ कह लेंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को तीसरी दफा इसी सूबे से वोट मिला, यू विल हैव टू उसके वोट को इज्जत तो देना जो आप नारा लगाती हैं, तो वोट को इज्जत दें आप, वोट को इज्जत ही दे रहे हैं तभी तो आया छोड़ दिया नारा, वोट को इज्जत ही तो दे रहे हैं तभी तो जो है वो उनके इन तमाम बातों के बावजूद उनके साथ बैठ रहे हैं, और इनके साथ बैठने का शौक नहीं है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का, कोई कसूर नहीं है वो, अगर वो मेयर रेटरिक नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, क्या ये नहीं हो रहा? और ये इसके बावजूद अगर खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो दरियाओं के ऊपर लटकने के बावजूद किसी से तालीम की सहूलियात होने के बावजूद पूछे तो सही, खैबर पख्तूनख्वा ने 3 महीने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दिया क्या है? इसका जवाब है कुछ भी नहीं। वो 100 रुपया बांट रहे थे जब मरीम नवाज ने, अभी बता रहे अभी पूछ लेते हैं, अभी मेहरबानो साहब मेहरबानो साहब आपको 5 चीजें बता दें इनको कि ये पहले 3 महीने के अंदर क्या किया केपी गवर्नमेंट, बता दें इनको कुछ 2-3 चीजें। आने से पहले कुछ उन्होंने और बहुत गुफ्तगू की है उसका जवाब तो देने दें। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, आपको मैं मुस्कुराती अच्छी लगती हूँ, हर इंसान मुस्कुराता अच्छा लगता है मगर रोते हुए कोई नहीं अच्छा लगता, तो मैं आज मुस्कुराऊंगी मगर आपने रोना नहीं है प्लीज। और उसके बाद आपने मैं सिर्फ आप ही ने पिछली बार कहा था कि आप रो देंगी, आपने अभी जो गुफ्तगू जिस तरह की जबान इस्तेमाल की दावतनामे के लिए मरे जा रहे थे, नहीं जी उज़्मा बीबी साहिबा, दावतनामे के लिए मरे जाना नहीं होता, प्रोटोकॉल्स होते हैं, हम एक फेडरेशन है, एक फेडरेशन में आप एक सूबे को नहीं बाहर छोड़ सकते, उस सूबे के जितने भी तहफ्फुज़ात हों, उसके चीफ मिनिस्टर आपको पसंद हो ना हो, उनकी गुफ्तगू आपको पसंद हो ना हो, कुछ चीजें जो हैं वो वफाक को इकट्ठा रखने के लिए फेडरेशन को साथ लेकर चलने के लिए करनी पड़ती हैं, तो आप अपनी पसंद नापसंद से उनको SIFC का हिस्सा नहीं बना रहे। यहाँ पे मेहरबान साहब एक अगर मैंने ना बीच में बात की तो नाइंसाफी होगी, बड़ी अच्छी बात की, आई अग्री विद यू कि एक प्रोटोकॉल है फेडरेशन का कि हर चीफ मिनिस्टर को इन्विटेशन जाना चाहिए, क्या ये प्रोटोकॉल नहीं है कि हर चीफ मिनिस्टर को उस फेडरेशन का लिहाज करते हुए ये नहीं कहना चाहिए कि इस फेडरल हुकूमत के ऊपर लानत हो? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि सियासत में इस तरह की गुफ्तगू इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके साथ साथ जो हुकूमतें होती हैं और जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं और ओहदों पे फायज होते हैं उनको भी पाकिस्तान की अवाम के हकूक को पामाल करने से गुरेज करना चाहिए, उनको भी हकूमत उनको भी जमहूरियत पे डाका डालने से गुरेज करना चाहिए है, उनको भी लोगों को ना हक कैद देने से गुरेज करना चाहिए है, और इस तरह की जुमले कसने से गुरेज करना चाहिए कि जिससे तलखी मजीद बढ़े, और इसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आयद हकूमत पर हमेशा होती है और होती रहेगी। हकूमत को कुछ इस तरह के इकदाम लेने होते हैं जिससे माहौल साजगार बने, ना कि उसमें तलखी अब बने। वो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा, ये हमें देखने को नजर नहीं आ रहा जी। देखिए पिछले तीन महीने से आपने केपी ने इस वक्त बजट अपना प्रेजेंट कर दिया हुकूमत के लिए, और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स भी आउटलाइन किए हैं, उन्होंने सेहत कार्ड जिसको ये बंद कर चुके थे उसको भी वापस शुरू करने की
बात की है उसके अंदर जो है आपके कामयाब आपके एहसास के अंदर जो प्रोग्राम्स थे वो भी दोबारा शुरू होंगे। उससे पहले देखिए बड़े और मसले भी थे कि हमारी जो रिजर्व सीट्स के हवाले से वहां पर हमें हमारी जमात को उसका हक नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से जो पार्लियामेंट का जो प्रोविंशियल असेंबली का सेशन है वो डिले होता रहा और आपने देखा अदालतों में भी उसमें डिले आया। अब ये डिस्टॉर्शंस हैं हमारे निजाम में और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए तो हमें इन डिस्टॉर्शंस को ख्वाहिशात की बिना पर खत्म करना होगा। इन आपने उज़्मा बुखारी और मेहर बानो की गुफ्तगू सुनी। मेहर बानो ने कहा कि ये नून लीग की मुनाफकत है जो खुलकर सामने आ रही है, ये आज भी इमरान खान से इतने ज़्यादा खौफजदा हैं। अब चूंकि इनको नज़र आ रहा है कि इमरान खान सब केसों में रहा होने वाले हैं, ये अब नया प्रोपोगंडा लेकर आ गए हैं और हतक इज़्ज़त कानून की आड़ में अब ये इमरान खान पर नए केस बनाने का मंसूबा बना रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये वोट पर डाका डालकर आए हैं, इसलिए अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर इनकी खैर नहीं होगी क्योंकि अवाम भी इनके साथ नहीं है। इसलिए ये इस कानून के ज़रिए इमरान खान के गिर्द घेरा मज़ीद तंग करने वाले हैं। नून लीग की आप नाकत देखें कि एक तरफ ये तरीके इंसाफ से कहते हैं कि आए मिल बैठें और मुल्क को आगे चलने दें, जबकि दूसरी तरफ ये तरीके इंसाफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, आप आज की गुफ्तगू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।